हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम फिर से आए हैं एक नया सिंगिंग ब्लॉग बनाने के लिए, और आप लोग देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ पे आए हैं, और बहुत अच्छा नज़ारा है ये। आप लोग, कोई दोस्त लोग बोला रहा था, और मेरे साथ आज है जीतू। ये है जीतू, बहुत ड्राइव कर रहा है, अभी गाड़ी चला रहा है। और हम आए हैं यहाँ पे, एक दरगाह है कुआमक का दरगाह, हम वहाँ पे है। और पहाड़ की बहुत 3.5 किलोमीटर ऊँचा है ये पहाड़, ऊपर में वो मज़ार है दरगाह। देखा तो एक बार पूरा रास्ता दिखा, और हम अभी आपको आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का जो आने जाने का जो रास्ता है ना, वो आपको आप लोगों को हम दिखाएंगे। इतना अच्छा नज़ारा है, हम लोग भी आएगा इधर। जीतू भी बोल रहा है सबको आने के लिए। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा, पूरा पहाड़ के ऊपर में है ये मज़ार। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पे आके हम आप लोगों को गाना सुनाएंगे, जितना हो सके हम ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, देखिए कितना अच्छा नजारा है। कैसे लग रहा है आप लोगों को? हम यहाँ पे आए हैं आप लोगों को सुनाने के लिए, हम खुद गाने के लिए। हम जितना हो सके हम यहाँ पे ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इधर आजो, कुआमक का दरबार बहुत अच्छा नजारा है, पूरा पहाड़ों के बीच में गया हुआ एक रास्ता। अगर आप लोग के दिल में कुछ टेंशन होगा ना, तो दिमाग में, तो टेंशन को खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा टेंशन। और कुछ बोलिए, बहुत सारे लोग आते हैं, देखिए पीछे देखो रमन जी कपाल आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। आज हम भी आए हैं, हम देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे रास्ते पे बैठा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे कपल बहुत सारा आता है, लड़का लड़के घूमने के लिए आता है। और हम भी आए हैं, हम दोनों आए हैं अभी घूमने के लिए, लेकिन हम देखने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ गाना गाने के लिए आए हैं, सिंगिंग ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं, आप लोगों को सुनाने के लिए। और आप लोग देखिएगा कैसा हुआ और कमेंट करके बताइएगा। प्यार के आगे पर्वत क्या है, अंबर भी झुकता है, प्यार नहीं रुकता है, अंबर भी झुकता है, प्यार नहीं रुकता है। प्यार के आगे पर्वत क्या है, अंबर भी झुकता है, प्यार नहीं रुकता है। आगे हम यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा देर बाद, हम आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा, और बाद में और चलेंगे हम। आप लोगों को ऐसा फील आएगा यहाँ आके, जो शिलंग का जो नज़ारा है ना, शिलंग चेरापुंजी का, ऐसा कुछ फील देगा आप लोगों को। देखिए ये असम का, मतलब शिलंग है, शिलंग बोल सकते हैं आप लोग। ये असम का हाजू में है एक मज़ार है, वो मज़ार हम घूमने के लिए आए हैं। और आप लोग देखिएगा कितना अच्छा नज़ारा है, हमारे पहाड़ी के ऊपर है और नीचे कितना अच्छा नज़ारा है। और जितना हो सके हम आप लोगों को गाना सुनाने की कोशिश करेंगे, ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे, सिंगिंग ब्लॉग, जो हमारा काम है वो हम करने की कोशिश करेंगे। और आज मेरे साथ आया है जीतू, ये है जीतू पीछे, ये हमारे साथ है जीतू। जीतू कुछ बोलेगा आज, जीतू भी सिंगिंग ब्लॉक में शामिल है। जीतू एक बहुत अच्छा डांसर है, वो टीचर भी है डांस का, लोग बोलते हैं, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। और मैं स्पेशली आज खुश हूँ क्योंकि तपन दा के साथ
जो मैं यहाँ पे सिंगिंग बनाने ब्लॉग बनाने के लिए मैं भाग्यशाली समझूंगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत अच्छा सिंगर है। आप लोग जब गाना सुनेगा ना तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा कि कुमार सानू कौन है और तपंदा कौन है। ऐसा नहीं, हम तो गाना हमको अच्छा लगता है इसलिए हम गाने की कोशिश करते हैं, और मालूम नहीं कैसा होता है गाना, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए गाने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी ऐसे हम गाते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और एक बात है, अगर आप लोगों को मेरा गाना अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, ताकि आगे चल के हमें और उत्साह मिलेगा आप लोगों के लिए गाना बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। तो और ऐसे बने रहिए हमारे साथ, हम आप लोगों को दिखाएंगे जो है जो में वो असम का कामरूप जिला में है ये, और हम आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का पूरा सारा नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे, और बीच बीच में हम गाना भी गाने की कोशिश। और अभी क्या गए जीतू, आपका मर्जी, आपका दिल में जो ये जो प्राकृतिक जो परिवेश उसके धुरने वाला एक गाना गाइए, ऐसा गाना गाइए कि प्रकृति भी खुश हो जाए। चल रहे हैं हमारा जिंदगी जो ऐसे रिलेटेड हम कुछ गाना गाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है। एक गाना था वो फिल्म का नाम मैं भूल गया, सानुदा का है गाना ये, हम थोड़ा गाने की कोशिश करेंगे और आप लोग सुनेगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा कैसा हुआ है गाना। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम आप लोगों को पूरा दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग आगे में जाके ना बहुत ऐसे ऐसे जगहों में जाएंगे, ऐसा ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ। बस चैनल को थोड़ा आगे ले जाइए आप लोग, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जितू ने बोला आप लोग कीजिए, क्योंकि सपोर्ट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है, इसमें सपोर्ट हर किसी इंसान को चाहिए। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग पूरा अच्छा अच्छा वीडियो देंगे, पूरा एकदम पूरा प्रॉमिस करता। ठीक है, थैंक यू जीतू मेरे लिए इतना बोलने के लिए। नहीं, इसमें थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है, जो सच से मैं वो बोल रहा हूँ। टैलेंट है तपंदा के पास, लेकिन सबका कुछ प्रॉब्लम होता है, वो घर का प्रॉब्लम हो या फिर बाहर का प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रॉब्लम को हम दिल में रख के अगर आगे बढ़ेंगे ना कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दिल को सुकून मिलने के लिए गाना गाना चाहिए, और उस गाने को अगर लोग उस गाने जाके भविष्य में बहुत बड़ा गाना बनेगा। बस तो आज का हम गाना ये गाना पूरा फिल्म का नाम खुश जाए गाना मुझे ये आते थोड़ा सा सानुदा का ही गाना है, वो गाना हम गाने की कोशिश करेंगे और आप लोग सुनिएगा और कैसा हुआ है कमेंट करके बताइएगा। के साथ जो हमारा चलने फिरने का जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं इसको, हम जहाँ पे रोज तो घूमते ही रहते हैं, इससे रिलेटेड ही गाना है जिंदगी का। रहे गुजर कहता है ये सफर, कहती है रहे गुजर जमाने भर के गम लिए, उम्मीद दिल में कम लिए, जमाने भर के गम लिए, उम्मीद दिल में कम लिए, तुम चले हो कहाँ। कहता है ये सफर, कहती है रह गुजर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है गाने में जो है, कहता है ये सफर जमाने भर के गम लिए, उम्मीद दिन में कम लिए, तुम चले हो किधर। वैसे हम भी चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा आगे चल के, लेकिन उम्मीद दिल में है, वो उम्मीद लेके हम चल रहे हैं। और आप लोगों के अगर सपोर्ट हो तो आगे जाकर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, जरूर करेंगे पक्का पूरा, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे और जितना हो सके हम गाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और नया नया जगह हम आप लोगों को दिखाएंगे। आए फ्रेंड, हम चलते हैं दूसरी जगह पे, आप लोगों को दिखाएंगे हम जहाँ भी आज जाएंगे आप लोगों को सारा चीज़ दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ पे। और आप लोग आज तो मेरे साथ आपको मालूम हो गया है जीतू है हमारे साथ, ये है जीतू, और ये देखिएगा बहुत सारा लोग जा रहा है रास्ते पे।
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. तू भी आज कुछ गाएगा? तू क्या गाओगे? मैं गाना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ ये जीतू आज डांस करेगा डांस डांसिंग डांसिंग क्या मस्त गाना नहीं ये म्यूजिक नहीं कुकुर जिम्नास्टिक कोई अरे जिम्नास्टिक इस जगह पे करने का कुछ रिस्क है यहाँ पे पत्थर है ना फिर भी कोई अच्छा सा डांस डांस क्या करो डांस हाँ हाँ बहुत अच्छा डांस है और एक एक फैन आप लोग बताएगा जीतू का डांस कैसा है एक एक बार देखो 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 बात ऐसा है कि डांस तो पूरा दिमाग में हमेशा रहता है कि सब भी जो घंटे रहता है लेकिन डांस करने का जो जुनून होता है ना और उस जुनून को पूरा परफेक्ट करने के लिए म्यूजिक चाहिए म्यूजिक के बिना तो डांस ही नहीं ना वो तो है म्यूजिक तो तपन दा ने रिक्वेस्ट किया तो कुछ दिखा दे क्या दिखाओ ये देखो उंगली का स्टेप ये देखो ऐसा 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 ये वाला कर सकते है हम लोग गले को घुमा सकते है ऐसे हाँ हाँ बहुत ऐसे घुमा सकते है और क्या करो ये जैसे कि ब्रेक डांस सिखाया था हम लोगों को ये देखो हाथ इधर से इधर जा रहा है इधर से इधर जा रहा है बॉडी को ऐसे घुमा सकते हैं ऐसे धक्का मार के आगे ले जा सकते हैं ऐसा ही कुछ आगे दिखाएंगे आप लोगों को प्रॉमिस पूरा आप लोग बने रहे हमारे चैनल गाइएगा आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए और हम आप लोगों को दिखाएंगे हम खुद गाएंगे और जीतू डांस करेगा आप लोग हमारे चैनल में बने रहे